और हजारीबाग के बरही जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को प्रशासन ने रोक दिया। आपको बता दें कि रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में शामिल होने दीपक प्रकाश जा रहे थे बरही, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को यात्रा की अनुमति नहीं दी। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर दीपक प्रकाश सड़क किनारे कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्होंने हेमंत सरकार पे तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा है। तो झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को जिला प्रशासन ने रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में शामिल होने से रोका है, और वो जा रहे थे और रास्ते में ही प्रशासन ने उन्हें कानून का हवाला देते हुए रोक लिया है। और साथ में दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पे तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सड़क में हम जा रहे हैं, अब सड़क कैसे अप्रोच लीजिएगा। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कानून का हवाला देते हुए रास्ते में ही रोक दिया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज सुबह ही 9 बजे के करीब यहां से निकले थे और रुपेश के परिजनों से मिलने के लिए और उनके श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। चरही में पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। हालांकि दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से रुपेश की हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार बीजेपी इस घटना को मॉब लिंचिंग बता रही है और कह रही है कि सरकार इसकी जांच सीबीआई से कराए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द से जल्द आरोपियों को दोषी दिलाए। ऐसे में आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले बीजेपी के एक नेता कपिल मिश्रा आए थे, जिनको की एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया था पुलिस ने, फिर वापस उन्हें लौटना पड़ा था, लेकिन वो पुलिस से बार बार कह रहे थे कि आप अपनी सुरक्षा में हमें परिजन से मिलवाइए और कुछ आर्थिक मदद हम उन्हें करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें भी नहीं मिलने दिया था। लेकिन कल फिर शाम को बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो सड़क पर उतरे थे, अलवर टेका चौक के समीप मशाल जुलूस निकाला था और उस वक्त भी पूरी तरह से सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि जब 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर लेती है इस मामले में, तभी ये सरकार जो नया कानून मॉब लिंचिंग का लाया है उसमें यह है कि 2 से अधिक लोग जब भी किसी हत्या में शामिल होंगे तो वो मॉब लिंचिंग माना जाएगा। तो ऐसे में ये घटना तो मॉब लिंचिंग की है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन इसे या सरकार मॉब लिंचिंग नहीं मान रही है, तो इस तरह से रुपेश के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो दीपक प्रकाश लगातार इसी मामले को लेकर के आज वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस के द्वारा फिलहाल उन्हें रोका गया है। अब देखना होगा कि आगे वो वापस लौटते हैं या फिर फिलहाल वहीं डटे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि बरही, हजारीबाग बरही दीपक प्रकाश जा रहे थे रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में शामिल होने, लेकिन प्रशासन के द्वारा कानून का हवाला देते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। सड़क में हम जा रहे हैं, अब सड़क कैसे आप रोक लीजिएगा हमसे बात करें, दो मिनट ये गलत है, किसी से बात करवा रहे हैं। डीएसपी होंगे, आप सिविल